ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजेश जोशी। दोस्तों, बात करेंगे व्रत त्योहारों की श्रृंखला में आने वाले श्री हनुमान जन्मोत्सव के बारे में। दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में हुआ था। कहते हैं कि इस दिन बजरंग बली की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और इस बार हनुमान जन्मोत्सव 16 अप्रैल 2022 को मनाया जाएगा। दोस्तों, पहली बात मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं हनुमान जन्मोत्सव कह रहा हूँ हनुमान जयंती के बदले। एक्चुअली इस पर बात यह है कि हनुमान जी आज भी हम सभी के बीच जीवित हैं, यह माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जीवित होता है उसकी जयंती नहीं, उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसीलिए हम इस बार हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं 16 अप्रैल 2022 को। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार श्री राम भक्त हनुमान का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था और उस समय चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न का योग बना हुआ था। कहते हैं कि इस दिन भगवान बजरंगबली की विधि विधान से यदि हम पूजा करते हैं तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानेंगे हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव पर हम पूजा किस प्रकार करें। हनुमान जन्मोत्सव पर आप शाम को लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो दक्षिण मुंह करके आप स्थापित करें और खुद भी लाल आसन पर बैठकर और लाल वस्त्र पहनकर सामने भगवान जी की मूर्ति के सामने या जो भी चित्र आपने रखा हुआ उसके सामने घी का एक दीपक जलाएं और चंदन की अगरबत्ती या धूप जलाएं। चमेली के तेल में घोलकर हनुमानी सिंदूर जो होता है उसे चमेली के तेल में घोल लें और चांदी का वर्क चढ़ाएं। इसके बाद आप लाल फूलों से भगवान श्री बजरंगबली जी महाराज को पुष्पांजलि दें और लड्डू बूंदी के लड्डू प्रसाद के रूप में भोग लगाएं। आप बजरंगबली जी को केले का भोग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, दीपक से 9 बार घुमाकर आप आरती करें और यह खास मंत्र ओम मंगल मूर्ति हनुमते नमः, ओम मंगल मूर्ति हनुमते नमः, ओम मंगल मूर्ति हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करें। ऐसा जप करने से आपको भगवान श्री बजरंगबली हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अब जानते हैं हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त क्या है, किस शुभ मुहूर्त में हनुमान जन्मोत्सव हमें मनाना चाहिए। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि शनिवार 16 अप्रैल को देर रात 2:25 से प्रारंभ होकर रविवार 17 अप्रैल को दोपहर 12:24 पर समाप्त होगी। इस दिन हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र दोनों नक्षत्र रहेंगे। हनुमान जयंती पर सुबह 5:55 से लेकर 8:40 तक रवि योग है। रवि योग प्रातः 5:55 से लेकर प्रातः 8:40 तक रहेगा और रवि योग में भगवान की पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस अवधि में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि यह एक खास मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप किसी भी शुभ कार्य को करेंगे तो उसमें आपको मनोवांछित सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग धन प्राप्ति के लिए या धनागमन के स्रोतों में वृद्धि करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग या उपाय जो एक महा उपाय के रूप में साबित हो सकता है वह आप हनुमान जयंती के दिन कर सकते हैं। इस दिन आप हनुमान पूजा में कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकते हैं, दोनों में से स्त्री या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। हनुमान जयंती पर एक विशेष उपाय जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इस उपाय को करने से धन प्राप्ति के मार्ग मजबूत होते हैं और हनुमान जी पर जल चढ़ाने के बाद पंचामृत चढ़ाने से और तिल के तेल में नारंगी सिंदूर,
तिल के तेल में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर चमेली का तेल, तिल के तेल में नारंगी सिंदूर घोलकर चढ़ाने से भी आपको धन प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं। चमेली की खुशबू या तेल भी आप चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाएं। आप गुड़ या गेहूं के आटे की रोटी और चूरमे का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही यह एक खास मंत्र है, इस मंत्र को आप इस महा उपाय के रूप में प्रयोग करेंगे और इससे आपको आशातीत सफलता और धन प्राप्ति में आपको शीघ्रता होगी और आपके धन प्राप्ति के योग प्रबल होंगे। यह मंत्र है, श्री राम भक्ताय हनुमते नमः, श्री राम भक्ताय हनुमते नमः, श्री राम भक्ताय हनुमते नमः। इसकी आप एक माला जप करें और यथासंभव इसका जप करते रहें। दोस्तों, यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप हनुमान जन्मोत्सव पर वह कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपको शत्रु पीड़ा से आप बच सकें। वह उपाय है, हनुमान जी को 11 पीपल के पत्ते पर नारंगी सिंदूर से राम राम लिखकर चढ़ा दें। क्या करना है आपको, हनुमान जी पर 11 पीपल के पत्ते ले लेने हैं, उस पर राम नाम लिखना है नारंगी सिंदूर से चमेली का तेल मिलाकर। राम नाम लिखकर ये हनुमान जी को आप चढ़ा दें और एक सूखे गोले को छेद कर उसमें शक्कर भरकर सूखा एक गोला ले लें, उसमें एक छेद कर दें और उसमें शक्कर भर दें और ये हनुमान जी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार आप हनुमान जन्मोत्सव बनाएं। भगवान बजरंगबली आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी विश्वास के साथ यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ से ज़्यादा, जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल कर लें, जिससे हमारे आगामी इस प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।